हेलो स्टूडेंट, आज हम वाटर पोल्यूशन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। अब तक हमने एयर पोल्यूशन, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, सीवेज पोल्यूशन, थर्मल पोल्यूशन, डिफरेंट टाइप ऑफ पोल्यूशन हमने पढ़े। वाटर पोल्यूशन जो है वो एक बहुत बड़ा यूँ कह सकते हैं प्रॉब्लम है, जिसको कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन वही हम कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन रिड्यूस कर सकते हैं अगर हम उसके बारे में, हमें जानकारी होगी, उसके इफ़ेक्ट के बारे में पता होगा, उनके सोर्सेज के बारे में पता होगा, और कंट्रोल कैसे कर सकते हैं उसके लिए हम अगर अवेयर होंगे तो हम वाटर पोल्यूशन को रिड्यूस कर सकते हैं। वाटर पोल्यूशन जो है वो होता है कि कोई स्ट्रीम है, हमारी जो फ्रेश वाटर सिस्टम है, स्ट्रीम, रिवर, लेक, हमारा मैराइन बायोम है, ओशियन एंड और अदर स्ट्रेच ऑफ वाटर, चाहे हम एक पोंड को लेके चलते हैं, ठीक है, वहाँ पर किसी तरह की कंटेमिनेशन हो जाना, जिसके कारण उसकी वाटर क्वालिटी कम हो जाती है, जिसके कारण वो टॉक्सिक हो जाता है फॉर ह्यूमन एंड एनवायरनमेंट, और जिसके कारण जो है वो अनयूज, अनसेफ हो जाता है। तो वाटर पोल्यूशन के सोर्सेज हम अगर हम देखें कि वो कहाँ से आ रहे हैं, तो उसको हम पॉइंट सोर्स और नॉन पॉइंट सोर्स भी बोल सकते हैं। पॉइंट सोर्सेज वो होते हैं जहाँ से कहता है एक सिंगल पॉइंट से कोई कंटेमिनेशन ओरिजिनेट हो रहा है, और ये कहता है डिफरेंट माइल्स ऑफ वाटरवेज और ओशन को पोल्यूट कर सकता है। जैसे एग्जांपल लें वेस्ट वाटर, आप देखेंगे कि एक पॉइंट, सिंगल पॉइंट से हम वेस्ट वाटर जो है डिस्चार्ज कर रहे हैं, चाहे वो इंडस्ट्री से हो, पावर प्लांट से हो, सीवरेज से हो, एग्रीकल्चर से हो, ठीक है। और फिर कहता है इसका एक फायदा होता है कि इसको हम रेगुलेट कर सकते हैं। रेगुलेट कैसे कर सकते हैं कि ये जो है एक स्पेसिफिक प्लेस से आ रहा है, एक सिंगल पॉइंट है जहाँ से वो ऐड हो रहा है, तो वहीं पर हम कुछ कंट्रोल जो है वो कर सकते हैं। अब नॉन पॉइंट रिसोर्सेज वो होते हैं जहाँ पर जो कंटेमिनेशन का ओरिजन होता है वो डिफरेंट प्लेसेस से हो रहा है, डिफ्यूज सोर्स है। जैसे हम कहें एग्रीकल्चर वाटर आ गया, वाटर रन ऑफ आ गई, स्ट्रॉम रन ऑफ आ गई, डेब्रिस हवा के साथ उड़कर आ गई, ठीक है, बारिश के साथ पानी जो है बहकर आ गया, कहीं सॉइल इरोजन हो गई, इस तरह के डिफरेंट डिफ्यूज सोर्स हो सकते हैं। अब कहता है इस तरह के पोल्यूशन को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि सोर्स जो है वो डिफ्यूज़ है, सिंगल सोर्स नहीं है जिसको हम कंट्रोल कर सके, और हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि कहाँ से आ रहा है। फिर कहता है टाइप ऑफ वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन कई तरह का हो सकता है। अब हम इसको कहें न्यूट्रिएंट पोल्यूशन, अगर हमें देखते हैं कि नाइट्रोजन, फास्फोरस जो है वाटर के अंदर एयर के थ्रू, चाहे वो फर्टिलाइजर से, चाहे वो वेस्ट वाटर से, सीवेज वाटर से, कैसे भी जो है वाटर के अंदर का न्यूट्रिएंट कंटेंट्स को जो है एक्स्ट्रा, मतलब कि एक सैचुरेशन पॉइंट से अबव ले जाता है। अब इसमें कहता है वेस्ट वाटर आता कहाँ से है? फ्रॉम आवर सिंक, शॉवर्स और टॉयलेट, फ्रॉम कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चर जो हमारी एक्टिविटी हैं, फ्रॉम स्ट्रॉम रन ऑफ जो कि बारिश के बाद रोड पे साल्ट, ऑयल, ग्रीस, केमिकल, डेब्रिस सब को लेकर जो है हमारे वाटर वेज में पहुंच जाता है। अब कहता है सरफेस वाटर पोल्यूशन भी हो सकता है। अब कहता है अर्थ के ऊपर 70% जो है वो क्या है? वाटर है। अब इस सरफेस वाटर क्या करता है? ओशन, लेक, रिवर सभी में है। एक कैसे भी पोल्यूट, इट गेट पोल्यूटेड ड्यू टू फॉर्म वेस्ट, फर्टिलाइजर रन ऑफ, म्यूनिसिपल इंडस्ट्रियल वेस्ट, सरफेस के ऊपर जो वाटर है वो पोल्यूट हो जाना। फिर ग्राउंड वाटर पोल्यूशन, कि जो हम पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर यूज़ कर रहे हैं वो लीच कर जाते हैं फ्रॉम लैंडफील्ड से हमारे एक्वीफायर तक, चाहे वो हमारा सीवेज का
सेप्टिक सिस्टम है, चाहे वो हमारा फॉर्म लैंड है, ठीक है। माइक्रोबियल या ऑर्गेनिक पोल्यूशन, जिसमें बैक्टीरिया वायरस जो कि पानी के अंदर प्रेजेंट हैं, एक्सक्रीटा में जनरेट होते हैं, मैं एनिमल के या वेजिटेबल वेस्ट के, ऐसे सस्पेंडेड मैटर भी जो है वो पोल्यूशन कॉज करते हैं। केमिकल वाटर पोल्यूशन, अब यहाँ पर केमिकल जो है वो कहता है किसी भी इंडस्ट्री से आ सकते हैं, वो ह्यूमन के द्वारा एनिमल की जो ड्रग्स हैं वहाँ से आ सकते हैं, हाउस होल्ड प्रोडक्ट से आ सकते हैं, हैवी मेटल्स हैं, एसिड है, हाइड्रोकार्बन जो कि इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है वहाँ से आ सकते हैं। ऑयल स्पिलेज, इसमें क्या होता है कि ऑयल एंड गैसोलाइन दैट ड्रिप फ्रॉम कार और ट्रक्स जो है हमारे जो भी व्हीकल है वहाँ पर कहीं ना कहीं अगर लीकेज हो जाती है तो वो स्पिल कर जाते हैं। अब फैक्ट्रीज से कर रहे हैं, फार्म से कर रहे हैं, सिटी, जहाँ पर भी हम जो अपने ऑयल है या गैसोलाइन का यूज़ करते हैं अगर वहाँ कहीं पर भी इफेक्ट हो तो वो भी कहते हैं ऑयल स्पिल कर देता है। अब कहता है जहाँ से हम निकाल रहे हैं मैराइन इको सिस्टम में, वहाँ तो जहाँ से एक्सट्रक्शन हो रहा है क्रूड ऑयल की वहाँ पर भी ये ऑयल स्पिलिंग होती है, मैराइन जो एक सिस्टम है ओशन और सी वो पोल्यूट हो जाते हैं। एट सी लेवल पे देखें तो टैंकर स्पिल है, शिपिंग इंडस्ट्री है, वो कहता है 1/3 जो है वाटर पोल्यूशन को कॉज करती हैं। ऑयल जो है नेचुरली रिलीज फ्रॉम अंडर द ओशन फ्लोर थ्रू फ्रैक्चर नोन एज सी, हम जो है एक्सट्रैक्ट करते हैं, वो भी ऑयल पोल्यूशन कॉज करता है। सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन देखेंगे तो सबसे बड़ा सोर्स ह्यूमन एक्टिविटी है, फिर कहता है कुछ नेचुरल भी होते हैं जो ह्यूमन एक्टिविटी के कारण होते हैं उनको हम एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेज बोलते हैं। नेचुरल जो सोर्सेज हैं जैसे लैंडस्लाइड हो जाना, फ्लड आ जाना जो कि वाटर की क्वालिटी को डिग्रेड कर देते हैं, शीवेज है, वेस्ट वाटर है, वो सब वाटर पोल्यूशन को का सोर्स है। अर्बनाइजेशन, ज़्यादा से ज़्यादा जो लैंड एरिया जो है वो रेजिडेंशियल एरिया में कन्वर्ट हो रहा है, फॉरेस्ट को काटा जा रहा है जिसके कारण क्या है सॉइल इरोजन है, या जो हम रेजिडेंशियल एरिया में वाटर का यूज़ करना उसको प्रॉपरली डिस्चार्ज ना करना, अनट्रीटेड वाटर जो है वो डिस्चार्ज कर देना, इस तरह से कहता है कि वाटर पोल्यूशन होता है। डिफॉरेस्टेशन, हमने देखा कि फॉरेस्ट को काट देंगे तो जो रूट्स होती हैं वो होल्ड करके रखती हैं सॉइल को, जिसके कारण हो सॉइल जो है इंटैक्ट रहती है, लेकिन अगर फॉरेस्ट काट देंगे तो एयर के साथ सॉइल पार्टिकल एट ड्यूरिंग रेनी सीजन वो सॉइल पार्टिकल जो है क्या होते हैं पानी में ऐड होते चले जाते हैं। एग्रीकल्चर में हम फर्टिलाइज़र यूज़ कर रहे हैं, पेस्टिसाइड यूज़ कर रहे हैं, फंजीसाइड, हर्बिसाइड, इंसेक्टिसाइड, वो सब केमिकल जो है कहीं ना कहीं पानी के अंदर जो है वो ऐड हो रहे हैं, ठीक है। अब ये कहता है मैन्योर और मिथेन ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है लेके आते हैं। इंडस्ट्रीज से बहुत सारा वेस्ट वाटर है जिसमें टॉक्सिक केमिकल्स हैं, पोल्यूटेंट है, हॉट अनट्रीटेड वाटर है, वो भी वाटर पोल्यूशन कॉज करता है। मैराइन डंपिंग, आप देखते हैं कि जो हमारे मैराइन एरिया है जैसे आप देखते हो जो लैंड एरिया है कोस्टल एरिया वहाँ पर गार्बेजेस, प्लास्टिक, पेपर, जो टूरिस्ट आते हैं वो भी बीच पर जो है इस तरह के पेपर, प्लास्टिक, एल्युमिनियम फोल्ड, रैपर्स सब फेंक देते हैं, जिसके कारण वहाँ का जो है लैंड पोल्यूटेड हो जाता है, और जब सी वेव्स आती हैं या टाइड्स आती हैं वो उनको अपने साथ ले जाती है पानी के अंदर, मैराइन सिस्टम में ले जाती हैं। रेडियो एक्टिव वेस्ट अब होते हैं, बहुत सारी माइनिंग हैं, पावर प्लांट्स हैं जैसे यूरेनियम माइनिंग हो रही है, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं जहाँ पर जो मिलिट्री वेपन्स की प्रोडक्शन है या टेस्टिंग है, यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल्स में हम रेडियो एक्टिव मटीरियल यूज़ कर रहे हैं फॉर रिसर्च एंड मेडिसिन, ठीक है। ऑल दीज सब्सटेंस कंट्रीब्यूट इन वाटर पोल्यूशन। एक्सीडेंटली उनको क्या करते हैं डिस्पोज ऑफ इम्प्रॉपरली कर लेते हैं, जो कि ग्राउंड वाटर को, सरफेस वाटर को और मैराइन रिसोर्सेज को अफेक्ट करता है।
अब कहता है इसके इफेक्ट क्या होते हैं। वाटर पोल्यूशन कहता है सबसे ज़्यादा हार्म करता है बायोडाइवर्सिटी को, एक्वेटिक इकोसिस्टम को, क्योंकि एक वाटर की एक प्रॉपर्टी होती है जिस प्रॉपर्टी पे एनिमल जो है अपने आप को अडप्ट करती है। उसका टेम्परेचर है, उसकी डेंसिटी है, उसकी विस्कोसिटी है, उसमें जो ऑक्सीजन गैसेस हैं डिसॉल्व फॉर्म में कितनी है, वो सब मैटर करती है वाटर की फिजिकल प्रॉपर्टी पर। अब कहता है केमिकल, टॉक्सिक केमिकल जब ऐड हो जाते हैं तो वो कलर टेस्ट वाटर की क्वालिटी को चेंज कर देते हैं। जब कहता है कि थर्मल पोल्यूशन, जो हम कह रहे हैं थर्मल पावर प्लांट है, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं या इंडस्ट्रीज हैं, वहाँ से क्या है जो हॉट वाटर है वो रिलीज कर दिया जाता है नेचुरल एक्वेटिक सिस्टम में, जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग हो रही है और वाटर के जो ऑर्गेनिज्म हैं उनकी जो है डिफ़िकल्टी टू सर्वाइव। यूट्रिफिकेशन है कि जब वाटर पोल्यूशन, क्योंकि उसमें न्यूट्रिएंट बहुत है, नाइट्रोजन फास्फोरस, वो क्या करते हैं एल्गल ब्लूम को जो है वो एनहांस कर देते हैं, उनको बढ़ा देते हैं, जिसके कारण जो ऑक्सीजन की क्वांटिटी है वो डिक्रीज हो जाती है और एनिमल जो है वो मरने शुरू हो जाते हैं। वाटर पोल्यूशन का कहता है हेल्थ इशू भी रहते हैं, जैसे अनसेफ वाटर है, कॉलेरा, टाइफाइड, डायरिया जैसी बीमारियों को स्प्रेड करता है। हैवी मेटल अगर आर्सेनिक मर्करी पेस्टिसाइड से आते हैं, नाइट्रेट फर्टिलाइज, वो भी हेल्थ इशू करते हैं। और ये कहता है इतने डेंजरस होते हैं कि वो हमारे हार्मोनल सिस्टम को डिस्टर्ब कर सकते हैं, कैंसर और इवन ब्रेन फंक्शनिंग को भी डिस्टर्ब करते हैं। चिल्ड्रन और प्रेग्नेंट वुमेंस में इनका बहुत ज़्यादा रिस्क रहता है, क्योंकि प्रेग्नेंट वुमेंस से वो चाइल्ड में ट्रांसफ़र हो जाते हैं और चाइल्ड की ग्रोथ जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। केमिकल एंड हैवी मेटल जो हैं, चाहे वो इंडस्ट्री से आ रहे हैं, म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर से आ रहे हैं, वो बहुत टॉक्सिक टू एक्वेटिक एनिमल्स एंड ऑर्गेनिज्म, रिड्यूसिंग एन ऑर्गेनिज्म लाइफ स्पैन, उसकी एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस जो है वो कम कर पाते हैं। एंटर इन टू द फूड चेन एज प्रीडेटर ईट। अब कहता है यही एक केमिकल या हैवी मेटल जब फूड चेन में चले जाते हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी बढ़ जाती है। सो टूना एंड अदर बिग फिशेस जो हैं वो एक्यूमुलेट हो जाते हैं हाई क्वालिटी में ऑफ टॉक्सिन सच एज मर्करी। ठीक है, अब कहता है मैराइन जो डेब्रिज हैं, प्लास्टिक बैग, सोडा कैन, विच कैन स्ट्रगल सफोकेट द एंड स्टार द एनिमल, ये सब जो है वो पानी के ऊपर जो है फ्लोट करते रहते हैं, जिसके कारण सफोकेशन हो जाती है, उनको प्रॉपर ऑक्सीजन जो है वो नहीं मिल पाती। और ये सॉलिड डेब्रिज जो है वो स्वेप्ट इनटू ए सीवर सिस्टम, स्ट्रॉम ड्रेन और इवेंटली आउट ऑफ टू सी तक पहुंच जाती हैं। आवर ओशन बिकम ट्रैश सूप एंड फॉर्म फ्लोटिंग गार्बेज पैचेस। ओशन एसिडिफिकेशन ड्यू टू कार्बन पोल्यूशन क्रिएटेड बाय बर्निंग फॉसिल फ्यूल मेकिंग ओशन मोर एसिडिक। अब ये कहता है क्योंकि कार्बन पोल्यूशन बढ़ रहा है जिसके कारण ओशन जो है वो एसिडिक होते जा रहे हैं, इसलिए उसमें जो शेल फॉर्मेशन है वो नहीं हो पाती। कोरल रीफ, अदर स्पीसीज जो हैं वो शेल नहीं प्रिपेयर कर पाती। इसके अलावा कहते हैं शार्क हैं, क्लोन फिश, अदर मैराइन, उनका नर्वस सिस्टम जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है ड्यू टू एसिडिटी ऑफ द ओशन। अब कहते हैं इनको रोक कैसे सकते हैं, कि सिंपल वे है हम इनको वाटर को अपने कंटेमिनेशन से बचा सकते हैं, कि सबसे पहले हम वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट करें, कि जितना भी वेस्ट वाटर है उसमें से पॉल्यूटेंट को रिमूव करें, चाहे फिजिकल, केमिकल या बायोलॉजिकल प्रोसेस के द्वारा, जिसके कारण वाटर जो है मोर क्लीन और वाटर सेफ हो जाएगा। शीवेज है उसको डिस्चार्ज करने से पहले उसको जो है वो पहले ट्रीटमेंट किया जाए। ग्रीन एग्रीकल्चर, हम पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स,
जो फर्टिलाइज़र है उनको ना यूज़ करके हम बायो फर्टिलाइज़र का यूज़ करें। स्ट्रॉन्ग वाटर मैनेजमेंट करें कि जो हमारा फ्रेश वाटर है, हम वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम भी कर सकते हैं, उसको मैनेज करें, अनवांटेडली फ्लो ना होने दें। एयर पोल्यूशन प्रिवेंशन करें, क्योंकि हम देख रहे हैं एयर अगर पोल्यूटेड है तो वो एयर में बहुत सारी ऐसी गैसेस हैं जैसे सल्फर, वो पानी के साथ मिक्स होकर सल्फ्यूरिक एसिड बना लेती हैं, एसिड रेन के लिए रिस्पॉन्सिबल रहती हैं। और यही एसिड रेन जब पानी के साथ मिलता है तो पानी की एसिडिटी को बढ़ा देता है। प्लास्टिक वेस्ट रिडक्शन की, जिस भी हम टूरिस्ट प्लेस में जाते हैं तो वहाँ पर प्लास्टिक का जो है वो इधर उधर ना फेंकें, उनको प्रॉपर जो है डस्टबिन में डाला जाए, क्योंकि वाटर पोल्यूशन जो है बहुत ज़्यादा सफोकेशन करता है। ये हाईली नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है। वाटर कंजर्वेशन करें, जितना हो सके वाटर को सेव करें। जो हमारे ऑयल हैं, ग्रीस हैं, इन सब को पानी में डिस्चार्ज ना करें। इनके लिए हम स्पेशल, जैसे मैंने कहा कि कैन के अंदर ऑयल या ग्रीस वगैरह को पैक करके इसको हम सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में डालें, पानी में ना करें डिस्चार्ज। कहते हैं जो हमारी कार है उसकी प्रॉपर मेंटेनेंस करें ताकि किसी तरह का लीकेज ना हो, कोई कूलेंट जो है वो वेस्ट ना हो। यार्ड है अगर हमारे पास तो ज़्यादा से ज़्यादा ट्री लगाएं ताकि वो रन ऑफ को रोक सके। अवॉइड अप्लाइंग पेस्टिसाइड एंड हर्बिसाइड। गवर्नमेंट, पॉलिटिशियन, टीचर, स्टूडेंट जो है वो सारे मिलके पानी के लिए खड़े हों, वो लोगों को अवेयर करें। एजुकेशन हमारी एक बहुत बड़ा वेपन है टू अवेयर पीपल। जितनी ज़्यादा अवेयरनेस होगी उतनी ज़्यादा हम पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकेंगे। थैंक यू।